अगर बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कल रात पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सुपर मून देखा जा रहा था। से वीडियो में तो मतलब समझ नहीं आ रही, येलो ही नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन जो है ना चांद जो है वो वाकई में बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। और उसकी जो अभी मैंने आधे सौदे लिखे हैं और ये देखें, आपकी डॉक्टर जगह मैसेज ही होती थी, इसको पहले क्लीन करते हैं, बाकी सौदे लिखते हैं और फिर ये गोश्त जो है वो संभालते हैं जो हस्बैंड साहब दे गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज है 31 अगस्त। तो अगर बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कल रात पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में सुपर मून देखा जा रहा था। तो सुपर मून पाकिस्तान में भी नज़र आया और बहुत से लोगों ने नज़ारा किया होगा रात के वक्त। तो मैंने भी रात को देखा था सुपर मून, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चांद चांद जो सुपर मून का मतलब ये है कि चांद जो है वो पहले से ज़्यादा आपको बड़ा दिखाई देगा। अगर आप फोकस करेंगे उस पर, ज़्यादा देर तक उसको देखेंगे तो वो ब्लू कलर का नज़र आएगा। तो साइंटिस्ट का कहना है कि वो जो है चांद हमारी ज़मीन के करीब आ गया है, ज़्यादा करीब आ गया है हो सकता है, तो वो इसलिए सुपर मून दिखाई दे रहा है। वो अपने ऑर्बिट से हट गया है या हमारी ज़मीन अपने ऑर्बिट से हट गई है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन बहरहाल जो भी है चांद बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो आज भी सुपर मून नज़र आएगा। अच्छा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आज जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो आज रात को सुपर मून ज़रूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको कैसा लग रहा है। मतलब उसकी रोशनी तो पीली पीली आपको नज़र आएगी, मैं आपको वो क्लिप अभी दिखाती हूँ, लेकिन अगर आप उसको देर तक देखेंगे तो उसके गिर्द जो राउंड है उसमें से ब्लू कलर की रोशनी नज़र आ रही होगी, शुआएं सी ब्लू कलर की फूटती हुई नज़र आ रही होंगी। तो ठीक है, आप लोग देखें। और जैसा कि महीना ख़त्म हो गया, 31 अगस्त है, तो महीने के साथ ही घर में जो राशन वाशन होता है, दालें शाले चीनी नमक वगैरह वो सब ख़त्म हो गया। तो मुझे सौदे लिखने हैं, ग्रॉसरी लिखनी है, और हस्बैंड साहब कह रहे थे तुम ग्रॉसरी लिख लेना, अगर मैंने नहीं लिखी तो वो मुझे डांटेंगे। झूठ बोलो यार, यार ये कितनी औसम है यार। और खुद तो वो गए हैं बार्बर के पास बाल कटवाने, क्योंकि आज जुमेरात है, कल जुमा होगा, बहुत ज़्यादा रश होगा जुमे वाले दिन। तो उन्होंने कहा आज ही मैं काम जो है वो अपना ये ख़त्म कर लेता हूँ, निपटा लेता हूँ। तो ठीक है, अब बस मैं ग्रोसरी वगैरह लिखती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। आप जाके देर तक वो मेरा क्लिप देखें जो मैंने रात को शूट किया था। चलें जी, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि आज सुपर मून है, चांद जो है वो ब्लू नज़र आ रहा है और ज़मीन के बहुत करीब आया हुआ है चांद। तो चलकर बाहर देखते हैं, हम भी नज़ारा लेते हैं। चांद जो है वो बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है वाकई में। मैं देख कर आई तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स का साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो चलें 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 बाहर चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू उसका शेड आ रहा है, पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊँगी कि नहीं। इस तरह से वीडियो में तो मतलब समझ नहीं आ रही, येलो ही नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन जो है ना चांद जो है वो वाकई में बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। और उसकी जो साइडों से रोशनी जो है ना, अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी ब्लू ब्लू भी नज़र आती है, लेकिन ये आँख से ही पता लगता है। मतलब इस तरह से कैमरे की आँख में नहीं आपको पता लगेगा कि वाकई आज सुपर मून है। तो वाकई ही में आज है सुपर मून।
लाइट तो गई भी है, बेल नहीं बजी, दरवाज़ा से बजा है, तो बाहर चल के देखते हैं। कौन सा काम नहीं हुआ? बाल नहीं कटाया अभी तक। क्यों? वो फिर तक ट्यूब चेंज कराइए। क्या कराइए? ट्यूब ये खत्म हो गई है, उसका पंचर बड़ा लगा हुआ है, वो ये है तो वो है। मैंने कहा क्या वो ट्यूब नई नहीं थी लगाई पहले, पुरानी थी? चल आपके भी काम ऐसे ही है। भागे फिर बाल कटवा के आता हूँ। हाँ आधे काम करके आए हैं। गर्मी है, लाइट नहीं है। गर्मी हाँ, लाइट नहीं है, पानी भी ना। अभी मैंने आधे सौदे लिखे हैं और ये देखें, ये हल्दी डालते हुए जगह मैसी सी हो गई थी, इसको क्लीन करते हैं, बाकी सौदे लिखते हैं और फिर ये गोश्त जो है वो संभालते हैं जो हस्बैंड साहब दे गए हैं। यहाँ पर हजामत करा के इमरान आ गए हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे बन गए हैं। और मोटरसाइकिल छोड़ा है, 1200 बाहर खड़ी है। अच्छा मैंने मोटरसाइकिल देखी। और रात के डिनर में लौकी ले आए हैं, लौकी का कलर इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। के साथ मैंने कहा दाल चने की डालो। हाँ? और थोड़ी सी इसमें ना गोश्त डालो। तो क्या बन जाएगा पहले मुझे बताएं, तो क्या बन जाएगा? लौकी गोश्त और दाल, मजे की चीज़ बन जाएगी। मजे की चीज़ बन जाएगी। अच्छा वो अभी थोड़ी देर तक उर्वा आई थी, कहती चाची चाचू को कहना अरूज को ले आए क्योंकि आरम भाई घर पर नहीं है। आरम के सामने गया, यूनिवर्सिटी गया। हाँ तो पैदल आया थी लेकिन फिर भी देख लेना, 2 बजे तक चला। बच्चों को लाएंगे तो फिर उसको भी देख लेना। तो मैं किचन में चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको लौकी कलर कितना प्यारा। और ये मैंने सौदे लिख लिए हैं, इसमें कोई कमी बेशी है तो मैं बता दें, हस्बैंड साहब आप बताएंगे कि ये नहीं है। नूडल्स कितने कितने पैकेट पड़े हैं? एक एक पड़ा हुआ। एक एक आ जाएगा? नहीं, स्पैगेटी का एक पड़ा हुआ ना तो एक लेंगे। मैक्रोनी का एक पड़ा, मैक्रोनी नहीं मैं लेकर आऊँगी। मैक्रोनी का पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ। अच्छा, शुगर, माचिस, चिकन, सेवैयाँ, चाय की पत्ती, सूखा नमक, ऑयल, बेसन, बादाम, चने, टूथपेस्ट, सर्फ एक्सेल, वो भुने हुए चने। हाँ, रोल, चीज़ और बच्चों का वो जो सॉसेजेस वगैरह बच्चे कह रहे हैं वो देख लूँगा मैं। बस और तो सब कुछ हो गया ना। हाँ आपका कुछ नहीं लाना, ठीक है? बस ठीक है। अम्मी के चने, अम्मी के बच्चे बादाम। और ये कल सौदे कल लाएंगे? कल या परसों लाएंगे यार, लेंगे लेंगे भाई, लेंगे कल लेंगे। चलें जो बच्चे आते हैं तो फिर इसका ये जो मैट्रेस हम कवर लाए हैं वो भी चढ़ाना है, ठीक है? हाँ। मुझे छोटा कह रहा था कि अम्मी जब मैं आऊँगा तो तब चढ़ाना, मैंने भी साथ चढ़ाना, उसने भी कूलना है ना साथ, ठीक है? ड्रामे नहीं खत्म होगा। चले हम नहीं नहीं कर लें, 15 मिनट है आपके पास। अभी नहीं नहा, अभी गर्म पानी होगा शाम को नहाना, ठीक है? Thank you.